वेलकम टू ब्रेन आउट क्लासेस आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो क्या होती है सबसे पहले हम इसका देखेंगे मीनिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल दैट एम्फोसिस स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस रहेंगी बाई असाइनिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्या होता है ये एक मतलब कि यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट को असाइन किया जाएगा और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस रहेगी वो स्टूडेंट सेंटर्ड रहेगी नॉट टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रपेयर्स स्टूडेंट फॉर एकेडमिक पर्सनल एंड करियर सक्सेस एंड रेडीज यंग पीपल टू राइज टू द चैलेंजेस इन देयर लाइफ्स यहाँ पे क्या रहता है स्टूडेंट जो है वो उनको जब प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं तो उनके अंदर जो है वो अपनी एक एबिलिटी जो है वो डेवलप होगी उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट uh, करने में तो इस तरह से जो है वो ये जो लर्निंग मेथड है ये स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है एकेडमिक पर्सनल और करियर सक्सेस के लिए ताकि आगे आने वाले लाइफ्स में जो भी चैलेंजेस हैं उनको स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है वो, uh, जो है, वो uh, पार कर पाएँ सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफ़िनेशन डेफिनेशन तो यहाँ पे जो है वो मैंने डेफिनेशन ली है मरह मरहम की तो मरहम के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इंटीग्रेट्स नोइंग एंड डूइंग स्टूडेंट नॉट ओनली लर्न नॉलेज एंड एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम बट आल्सो अप्लाई व्हाट दे नो टू सॉल्व ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट मैटर्स यहाँ पर क्या रहता है कि वो सिर्फ नोइंग और डूइंग को इंटीग्रेट नहीं करते मीन्स नोइंग मीन्स वो क्वायर करेंगे जो नॉलेज और उसको जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर देंगे बाई डोइंग लेकिन यहाँ पर क्या रहता है सिर्फ नोइंग नॉलेज गेन करना या किसी भी काम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सिर्फ ये नहीं होता प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करेंगे कि हाउ टू अप्लाई जो उनके पास ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स हैं जो उस उन्होंने उसको सॉल्व करना है जिस प्रॉब्लम को तो उनके पास जो है वो अपना जो नॉलेज है प्रीवियस नॉलेज रहेगा उसको भी अब वो अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ताकि वो गुड रिजल्ट्स जो हैं वो वहाँ पे उनको मिल पाए तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स का क्या रोल रहता है यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स जो है वो प्रोजेक्ट जो है जैसे हम क्लासेस में देखते हैं तो जब किसी भी क्लास में कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है तो वहाँ पे एक सिंगल स्टूडेंट को कभी असाइन नहीं किया जाएगा उसमें क्या रहता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं तो उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स जो हैं वो एक साथ काम करने में जो है वो सक्षम हो पाते हैं तो

एनहांस uh, होगी और स्टूडेंट के बीच में सोशल रिलेशनशिप्स जो होंगे वो भी एनहेंस होंगे और सेकंड यहाँ पे क्या रहता है द स्टूडेंट इज़ मेक चॉइसेस एंड ऑप्टेनिंग डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे टीचर का क्या रोल रहता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड में टीचर जो है वो यहाँ पे गाइड जो वो मतलब पूरा पूरी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देगा रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट वो सिर्फ फैसिलिटेट करेगा ताकि स्टूडेंट जो है वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए तो टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर रहेगा दे डेवलप एन एटमोसफियर ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहाँ पे क्या होता है कि वो एक एटमॉसफेयर ऐसे डेवलप करेंगे कि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर की जाए नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स आर अकाउंटेबल टू द गोल्स थ्रू द फीडबैक यहाँ पे क्या रहता है स्टूडेंट जो है वो हमेशा अकाउंटेबल रहेंगे ताकि कैसे अकाउंटेबल रहेंगे जिस तरह से वो अपनी फीडबैक देंगे बाय द प्रोजेक्ट जिस तरह से अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो अकाउंटेबल है किसके लिए पब्लिक के लिए मीन्स इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अकाउंटेबल हैं टू द गोल थ्रू द फीडबैक जो गोल उनको मिला हुआ है उसके लिए वो अकाउंटेबल हैं उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की एडवांटेज उसके क्या क्या फायदे रहते हैं तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसपेट करेंगे विद इन द क्लासरूम जो उनको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया होगा वहां पर और यहाँ पे क्या होगा ये ये मैथड जो है ये इम्प्रूव करेगा लर्निंग को उस नेक्स्ट जो है वो है कि दिस मैथड कनेक्ट स्टूडेंट एंड द स्कूल विद द कम्युनिटी हो सकता है कि स्टूडेंट को जो है कोई भी अगर मैथड जो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो असाइन किया गया है तो वो जो उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए अपने सराउंडिंग में भी जो है वो इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट जाके तो वो स्टूडेंट और स्कूल को कम्युनिटी के साथ भी कनेक्ट करके रखता है ये मैथड सेकेंड आ गया हमारे पास डिसएडवानटेज कि इस मेथड की डिसएडवेंटेज क्या रहेंगी सबसे पहले तो टाइम कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो किसी ग्रुप को असाइन किया होगा तो वो इंडिविजुअली जो है वो उसके ऊपर काम तो कोई एक स्टूडेंट कर नहीं रहा होगा वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट करेंगे तो वो अपनी नीड्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो वहाँ पे जो है वो काम जो है वो थोड़ा लेट होगा इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है तो मोर स्टाफ हैज़ टू टेक पार्ट इन द टीचिंग प्रोसेस यहाँ पे जो है वो ज़्यादा स्टाफ चाहिए होता है टीचिंग प्रोसेस जिस तरह से अगर हम हायर एजुकेशन जैसे बीएड एमएड की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है अगर हमें कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है जैसे कि हम इंटर्नशिप ही करते हैं तो हमें इंटर्नशिप दे दी जाती है एक ग्रुप को जो है वो एक कॉलेज दे दिया जाएगा दूसरे ग्रुप को दूसरा कॉलेज दे दिया जाएगा तीसरे ग्रुप को तीसरा कॉलेज दे दिया जाएगा तो हर एक ग्रुप का एक इंचार्ज रहेगा तो यहाँ पे क्या है उस प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड में क्या है कि बड़े सारे स्टाफ को जो है वहाँ पे पार्ट लेना पड़ेगा कोई एक टी, सिंगल टीचर जो है वो उसको एकम्प्लिश नहीं कर पाएगा थर्ड जो है स्टूडेंट्स मे वी अनश्योर दैट हाउ मच सेल्फ स्टडी टू डू एंड वट इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट एंड द यूजफुल जिस तरह से अगर स्टूडेंट को कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि चलो भाई आपको जो है एक रिसर्च पेपर जो है वो क्रिटिकली एनालाइज़ करना है और उसकी आपने फाइंडिंग्स लिखनी है या कोई टॉपिक दे दिया जाता है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे उसके रिसर्च पेपर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च पेपर पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे लेकिन उनको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे को कितने रिसर्च पेपर पढ़ने हैं और कितने कितना जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया वो मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं है तो ये इसके कुछ डिसएडवेंटेज थी तो अभी तक हमने जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या क्या पढ़ा रोल ऑफ स्टूडेंट्स रोल ऑफ टीचर मैरिट्स डीमेरिट्स तो एंड में हम करेंगे कंक्लूजन तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ये एक टीचिंग मेथड है इन विच द स्टूडेंट गेन नॉलेज एंड स्किल्स बाय वर्किंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम टू इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड टू अ इंगेजिंग इन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो ये एक टीचिंग मैथड है यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो नॉलेज गेन करेंगे या फिर स्किल्स स्कैन करेंगे लेकिन यहाँ पे जो है वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है कुछ टाइम तक वो एक्सटेंड करके रखेंगे अपने वर्क को ताकि वो इन्वेस्टिगेट और रिस्पोंड कर पाए उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सो so, आज की वीडियो में इतना ही था प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर कोई क्वेरी रही होगी तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना Thank you.